गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना न्यू ब्लॉग। और ये शरारती बच्चा आ गया यहाँ पे हमारे पास, देखो ठीक है। और ये शरारती बच्चा जा रहा है कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? चाय पीने। चाय पीने जा रहा है, चाय पीने जा रहा है। तो अभी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं नहाई हूँ। वो वैसे भी नहीं नहाती हूँ क्योंकि सुबह से मेरे पे बहुत डांट पड़ रही है, पर मैं फिर भी नहीं नहाई क्योंकि जब मेरा मन नहीं करता वो काम हो नहीं सकता। और इतनी बुरी ये नहा के भी बिना नहाया हुआ लग रहा है। यहाँ पे इतनी तेज बदबू आ रही है। और पता है जब इससे मैं खुद कहती हूँ ना इसमें बदबू आती, तब इसे अपनी बदबू नहीं आती। भले ही मेरे को पसीना नहीं आया ना कोई स्मेल आ रही, मेरे में से बदबू नहीं आती। भले ही मेरे को पसीना ना आया उस टाइम पे, पर नहीं बदबू आ रही है, तेरे में से भी आ रही है। पर मैं नहीं नहाई हूँ है ना, तो प्लीज माइंड मत करना। और माइंड कर भी लो तो मेरा क्या खाड़ लोगे। ये देखो एक नंगा, ये देखो भाई साहब इतना बिजी है। डेडिकेशन, जैसे हंसता है ना वैसे दांत दिख जाते हैं यहाँ पे, एक टूटा हुआ ऐसे करके। तो बस मैं यही सोच रही थी कि ऐसे नहाऊं और कैसे नहाने जाऊं और किस तरह से जाऊं, क्योंकि नहाने का मन तो नहीं हो रहा है। आपके लिए रेल मंगवाई जाएगी, आप उससे जा सकते हैं। उससे नहीं जाएंगे, वो तो पलटने का डर डर रहता है। मुझे तो यार कहीं जाने में भी डर लगता है कि ना कहीं ट्रेन ना पलट जाए, बारिश हो रही हो, ट्रेन पलट गई आए मैं तो मर गई। मतलब मैं ना मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना मेरे साथ ये है, मेरे दिमाग में ना अपने आप चल पहले ही मैं सोच लेती हूँ कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, जिससे कि एक्सीडेंट होगा तब भी नहीं, कितनी चालू हूँ ना मैं। मैं इसलिए सोच लेती हूँ क्योंकि जब हम नहीं सोचते ना तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही सोच लेती हूँ। मैं पहले ही सोच लेती हूँ हमारा एक्सीडेंट हो, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, फिर नहीं होता। क्या अभी तक हम इसी वजह से, क्योंकि मैंने एक बार नहीं सोचा था कि मेरा एक्सीडेंट होगा, पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि भाई साहब मेरे को तो दुनिया दिख गई। पहले भी दिखती थी दुनिया, पर उस दिन तो मेरे को आसमान भी दिख गया। मैंने उससे कहा जब फेमस हो जाएगा तो वीडियो बना ले, तो कह रहा है वो कौन आया ना भेसम। तेरी तो मेरे से भी ज्यादा हिकलाती है। पर मैं सारी बातों पे नहीं हिकलाती, कभी कभी हिकला जाती हूँ, वो भी किसी किसी के सामने। बीमार हो जाते तो कार में ले जाते? हाँ बीमार हो जाते तो किस में लेके जाते बेटू, बता ना जल्दी बता, बता मत बता साले, अब तुझे कभी चॉकलेट आइसक्रीम कुछ नहीं खिलाई जाएगी। टक्स लाइफ है इसकी, टक्स लाइफ। टक्स लाइफ नहीं, थग लाइफ होता है। THUG लाइफ। कल मुझसे किसी ने कहा कि अब तुम पतली हो रही हो, और मेरी बहुत क्लोजेस्ट मम्मी जैसी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पतली हो रही हो, और मेरे को इतनी खुशी हुई ना। मतलब वो मुझसे हमेशा ही मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोलती रहती थी, मोटी ये वो उल्टा सीधा, बहुत अजीब अजीब वर्ड्स प्यार से। तो ना उनने मुझसे कहा कि अब तुम थक गई हो, मुझे इतनी खुशी हुई ना सच्चे में, मैं बहुत खुश हूँ। कल से मैं हवा में उड़ रही हूँ, और मैं अब ना आज से फिर से रनिंग स्टार्ट करूँगी। दो दिन से मेरी तबीयत खराब थी इसलिए जा नहीं पा रही थी, अभी भी कोई ज़्यादा खास है नहीं, पर फिर भी रनिंग तो जाऊँगी आज, क्योंकि आज गए थे हम हॉस्पिटल, बड़ी भाभी की तबीयत खराब थी तो उन पर ब्लड चढ़ रहा है, तो मैं गई थी उनको खाना वाना देने के लिए और उनको देखने के लिए, तो मैं सारे दिन वहीं पर बैठी रही। तो वहाँ से मैं लेट आई, वहाँ से मैं 3:30 बजे निकली, तो घर पहुँचते पहुँचते अभी कितना बज रहा है, 6:30 के एयरफेयर में होने वाला है, 5:30 हो गया है। तो अभी मैं हम तीनों के तीनों, राजा और मैं अंजलि, हम तीनों जा रहे हैं आज मूवी देखने। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर और टाइम भी पूरा हो चुका है, अभी जाके टिकट विकेट लेते हैं और फिर अंदर शूट करेंगे। मम्मी कैमरा पहुँच लो पहले उसका।
तो हमने टिकट ले ली है और अभी टिकट लेके बाहर थोड़ा सा घूम रहे हैं। अभी टाइम नहीं हुआ है, जैसे ही टाइम होगा अंदर अंदर एंटर हो जाएंगे, तब तक बाहर घूम लेते हैं। मम्मी खराब हो रहा है। अभी अंदर हम आ गए लेकिन अंदर अभी मूवी चालू नहीं हुई है, ऐसे बैठे हैं सब। बस मम्मी यार कुछ बोल रहे नहीं हम, फिर भी मैं ये कह रही हूँ, मैं साइकिल से आई थी, मेरी हालत ख़राब हो गई, पसीना आ रहा दुनिया भर का, ये दोनों स्कूटी से आए थे इसलिए आराम से आ गए। ये लोग बहुत चालू हैं। बात तो सही है। बात कुछ सही नहीं है बेटा, मैं अड़ी नहीं थी जिद पे, वरना मैं ही आती स्कूटी पे। सोचा छोड़ो बच्चे हैं, ये चला नहीं पाएंगे साइकिल इतनी दूर तक, इसलिए मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं आता ही नहीं, तब भी वो तू आता नहीं, इसलिए तो जबरदस्ती आ गई मैं साइकिल से, जिससे तू आ जाए। बंद कर लूँगी बहुत हो गया, जबरदस्ती लेके आए इसको, तो ये तो आ ही नहीं रहता। हमें नहीं पता था आज ये वाली मूवी लगने वाली है, पर यही लग गई। 1920 मैं भी थी। अब तो डर ही नहीं लगता मुझे किसी से, डरावनी मूवीज फनी लगने लग गई हैं, अलग ही सिस्टम हो गया है। यार मुझे नहीं दिख रही है बनाने के चक्कर में। ये कौन है? इसका बॉयफ्रेंड होगा शायद। मूवी खत्म हो गई, हैप्पी एंडिंग। हॉरर मूवी में इतनी हंसी कभी नहीं आई मुझे। मजा आ गया। चलो बाहर बात करेंगे, गाना चल रहा है, कॉपीराइट आ। कुछ खुशी कुछ गम था उसमें। कभी खुशी कभी गम, नाचता हो गया हम। चलो जल्दी गाना।